फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? फ्रेंड मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो NSH कंपनी के 5 रूल्स के बारे में, यानी कि अगर आप फ्रेशर हो या मतलब रिटर्नर हो, कोई भी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपको 5 नियम जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा कंपनी के अंदर में रह के, ठीक है ना, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड इसी टॉपिक पर आज वीडियो बनने वाला है, तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो अवधेश भाई, सबसे पहले बताइए हमारे सब्सक्राइबर को, फ्रेंड को, कि हम 5 नियम वो कौन कौन से कंपनी के बारे में बताया जाए जो कंपनी में ज़्यादातर फॉलो किया जाएगा, मतलब फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट में देखिए, नमस्कार दोस्तों, आप सब मुझे जानते ही हैं, इसके पहले भी मैं वीडियो में अखिलेश भाई के साथ आ चुका हूँ। फिलहाल हम लोग दोनों लोग एक ही साथ काम करते हैं, एक ही साथ हम लोग काम करते हैं। लेकिन ये नियम वाली बात, देखिए 5 नियम कोई मतलब ये फिक्स नहीं है कि 5 ही नियम है, नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन कंपलसरी जो बता रहे हैं। यहाँ पे आने के लिए जो भी है, देखिए हम चाहे घर पे रहें चाहे कहीं रहें, एक अच्छा जीवन जीने के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। तो अनुशासन होना चाहिए और जो भी रूल है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मतलब हम ज़्यादा दिन तक इस फील्ड में बने रहेंगे। यानी कंपनी में आपको कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिन तक रहेंगे, मतलब रुकेंगे, समझ लीजिए, नहीं तो फिर आगे आपको दिक्कत होगा। दिक्कत होता है, जॉब के लिए भी आपको दिक्कत होगा। मतलब मेन बात यह है कि अगर काम से रिलेटेड है तो सबसे पहली बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी सबसे पहला जरूरी है, फर्स्ट जो नियम चालू होता है कंपनी में, प्लांट में एंट्री से, तो वो सेफ्टी से चालू होता है। सेफ्टी जो भी है उसका आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं कि काम का प्रेशर है तो आप अनसेफ काम करना चालू कर दिए, तो ऐसा क्या, एक दिन आप बच जाओगे, दूसरे दिन बच जाओगे, लेकिन तीसरे दिन जो भी है कभी जो खतरा है तो बता के आएगा नहीं कि हम आ रहे हैं, आप अलर्ट हो जाओ। तो सबसे पहले यही बात है कि आप सेफ्टी रूल जो भी है कंपनी का, बहुत सारे हम यहाँ पे जैसे कि लाइफ लाइन जो भी है, 12 रूल है, हाँ हमारी कंपनी का जो भी है उसको फॉलो करना, हाँ 12 रूल है, उसमें बहुत सारी रूल हैं, तो उसको फॉलो करते हैं हम लोग, और डेली हम लोगों को टूल बॉक्स में यही बताया जाता है और हम लोग उसको फॉलो भी करते हैं तो हमको फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए अनसेफ काम नहीं करेंगे, हाँ, और जो भी काम करने के लिए हम लोग को मतलब सेफ्टी में काम करेंगे तो हम लोग को प्रोवाइड कराएगा पीपी जो है वो, मतलब कंपलसरी है। हाँ, तो ऐसे मतलब एक एक करके हम बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाए। इसकी मतलब हेलमेट है, गूगल्स है, ग्लव्स है और शूज है, और ये जो कपड़ा है ये मैंने वेस्ट है, ये जो कपड़ा है ये कंपलसरी है, मैंने 5 ही जो चीज़ है ना कंपलसरी है। और देखिए ये हो गया, और दूसरा जो भी है हम टीम वर्क होना चाहिए, एक दूसरे से बंध के रहिए, यूनिटी में रहिए। और यूनिटी का मतलब ये नहीं कि यूनिटी मत बनाइए कोई चीज़ के लिए, ये नहीं हुआ कि 10 लोग 20 लोग कंपनी में क्या करते हैं कि मिलकर कोई चीज़ के लिए यूनिटी, वैसा नहीं, मतलब मिलजुल के रहना वो यूनिटी। यूनिटी का मतलब जो भी है, अगर हमें काम समझ नहीं आ रहा था तो दूसरे से मतलब डिस्कस करने का, हाँ ये काम करने के टाइम क्या खतरा हो सकता है, क्या जरूरत पड़ेगा, ऐसा हम लोग करेगा तो काम ईजी हो जाएगा। जब ईजी हो जाएगा तो कोई भी काम करने में आपको पता भी है कि मतलब अगर यूनिटी बना के रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे तो अच्छी बात रहेगी और काम इजी से हो जाएगा। और दूसरा ये है कि दो चीज़ हो गया, तीसरा चीज़ हो गया कि मान लीजिए फाइटिंग वाइटिंग किसी के साथ में, ये तीसरा फॉलो है नियम कंपनी का, झगड़ा नहीं करने का, किसी से झगड़ा वायलेशन नहीं करना, मतलब अपने आप पे काबू रखिए, नहीं तो कंपनी तुरंत आपको टर्मिनेट कर देगी, यानी कि भेज देगी यहाँ से, यानी कि मोटा में लिखा गया है कि फाइटिंग आफ्टर फ्लाइट, मैंने किसी से झगड़ा नहीं कर सकता, फाइट आफ्टर फ्लाइट, मैंने झगड़ा किए मारपीट किया तुरंत फ्लाइट कर देगी कंपनी, आपको भी भेज देगी उसको भी भेज देगी, दोनों आदमी को भेज देगी, है ना, सही बात है। तो ये 3 नियम हो गया, जैसे कि यूनिटी नहीं बनाना है, कंपनी का सेफ्टी फॉलो करना है और फाइट नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। चौथा जो चीज़ हो गया
टाइमिंग के लिए बारे में थोड़ा टाइम टाइम टाइमिंग पंचुअल होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं देखिए कि ये अगला ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, जो भी है टाइम अपना टाइम फॉलो जरूर कीजिए। जो टाइमिंग है जिसके मान लीजिए अभी हम लोग का ड्यूटी है 5 बजे से सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, तो मान लीजिए कि जो टाइमिंग है उस 10 मिनट 20 मिनट पहले आ जाइए, टाइम फॉलो कीजिए, कहीं पर भी रहिए अपने जॉब पर रहिए, टाइम फॉलो करना कंपल्सरी है, बहुत जरूरी है टाइम फॉलो करना। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, मैं इसमें एडिशनल ले रहा हूँ, कई मैं देखा हूँ मतलब बहुत ऐसा जगह मतलब देखे हैं कि जो 10 साल 8 साल का आदमी हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, उन्हें ईगो आ जाता है, ईगो आ जाता है, तो ईगो नहीं लाना है समझ लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए रिस्पेक्ट नहीं करेंगे किसी का तो फिर आपको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, ईगो आ जाएगा। ईगो आने के बाद क्या होता है कि आदमी को ये पता नहीं चलता है कि मतलब ये नहीं है कि हमें जो मालूम है उसे अगले को नहीं मालूम, नहीं मालूम है, तो ईगो नहीं करने का कि हाँ हमारे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं सब कुछ जानता हूँ, एक हेल्पर भी है तो उसका रिस्पेक्ट करना है। ईगो आने के बाद क्या होता है कि मैं देखा हूँ कि आदमी कुछ समझता नहीं है, अगला आप कभी ऐसा भी होता है कि आपको 10 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है फिर भी आप गलती कर देते हैं, तो साथ वाला जो भी है या पुराना है या नया बंदा जो भी है अगर आपको कुछ काम के बारे में एडवाइस देता है तो उसका बात सुनना चाहिए, उसे डिस्कस भी करना चाहिए, मतलब उससे जानकारी भी लेना चाहिए। ये नहीं कि बे मैं तो पुराना हूँ इस फील्ड में तो हमको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और ये चीज़ से। हाँ, और एक और बात है, इतना दिन से क्या होता है कि हम 10 साल 8 साल जो भी काम किए, बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे आज तक कुछ हुआ ही नहीं। तो बाय द वे आप ऐसा ये है कि आप अभी तक बच रहे हो, हाँ कभी ऐसा भी हो सकता है कि आगे कुछ ऐसा अनसेफ काम करते समय आपको कुछ हो सकता है, तो ये ईगो होना नहीं चाहिए कि मुझे 10 साल से काम करते आया हूँ, मैं तो बिना सेफ्टी का काम करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग मतलब यही सब सारी बातें हैं जो हम सब मतलब इसको अनुभव किए हैं, कि अब पुराने हैं मान लीजिए कि 10 साल का एक्सपीरियंस है गोल्फ में, और देखिए साथ में सतीश भाई भी, उनका भी एक्सपीरियंस है, आइए थोड़ा सतीश भाई गुप्ता जी आइए, थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए दोनों लोग सतीश भाई हैं, सतीश गुप्ता ये इनका भी एक्सपीरियंस 10 साल का है, और अवधेश भाई अवधेश सिंह इनका भी एक्सपीरियंस 10 साल का है, तो ये भी कुछ इनसे भी सुनिए, कुछ बताइए कंपनी के रूल्स के बारे में, मान लीजिए जो नया बंदा है वो लोग को क्या क्या केयर करना चाहिए शुरू में, स्टार्टिंग में। शुरू में देखिए कम पहले तो सेफ्टी अपना देखना चाहिए, बाकी टाइमिंग फॉलो करना चाहिए, मेन तो टाइमिंग एकदम लाजिम फॉलो करना चाहिए, कोई भी कंपनी में टाइमिंग कंपलसरी है देखिए। उसके बाद नए बंदे को तो कम जाके ये नहीं कि दूसरा आदमी थोड़ा भड़का रहा है, भड़का रहा है वो सब नहीं, उसका बात में नहीं आना चाहिए। देखिए अवधेश भाई भी ये बात बोले, और ये भी एक बात मैं और कहना चाहूँगा सतीश भाई, ये होता क्या मैं मुझे यहाँ पे चौथा महीना होगा, हम लोग आया तो कुछ आदमी मिले हम लोग से बोल रहा है अरे काम खत्म हो गया कंपनी लेके क्यों, देखिए बात बोल दी है ना, मैं ज़्यादा बात इसी टॉपिक में बोलता हूँ कि ज़्यादा लोग यही बोलते हैं कि जैसे आप कंपनी में एंट्री करेंगे अरे यार कहाँ पे चले आए यार ये तो कुछ काम ही नहीं है, कंपनी महा खराब है, वो आदमी 10 साल से रहेगा वो कंपनी में लेकिन तुरंत ये बात बोलेगा समझिए। आखिर में आगे ना देखिए ये दोनों बंदे दोनों लोग बोल रहे हैं, पहली बार जब हम लोग आप बस नए हैं तो जाके पहले आप कोशिश कीजिए कि हम काम सीखे पूरा सही तरीके से, सही से काम करें, टाइमिंग फॉलो करें, ये सबसे मेन चीज़ है, सही से आप काम कीजिए। नए हैं तो भाई आप एक्सपीरियंस बनाने के चक्कर में रहिए, और कंपनी में काम सीखने के चक्कर में दूसरे के बात मत आइए, ठीक है ना। ईगो अपने अंदर से ईगो थोड़ा सा भी मत रखिए, ईगो एकदम हटा दीजिए, और रिस्पेक्ट समझ रिस्पेक्टफुली सबसे बड़ा चीज़ है, अपने सीनियर का अपने जूनियर का यानी कि हेल्पर है उसको भी रिस्पेक्ट कीजिए, और जो सुपरवाइजर है फोरमैन है सुपरिटेंडेंट है इंजीनियर है मैनेजर है सबका रिस्पेक्ट कीजिए समझ लीजिए, ठीक है ना। ये रहेगा तो सबसे बड़ा चीज़, और कुछ बोलिए बताइए। तो यही चीज़ है फ्रेंड, अगर आप नए हैं फील्ड में कहीं पे भी जा रहे हैं कोई भी कंपनी में, चाहे NSH हो बेक्टल हो ठीक है ना, अल्बावानी हो 3CC हो मैंने कोई भी A to Z कंपनी हो, तो ये 5 जो चीज़ है यानी कि समझ लो टाइम फॉलो सेफ्टी फर्स्ट और ईगो नहीं होना चाहिए ठीक है ना, और पंचुअल होना चाहिए, यूनिटी नहीं बनाना चाहिए, ये सब चीज़ें समझ लिया, और काम मिलजुल कर यूनिटी गलत काम के लिए ना, अच्छा गलत काम के लिए यूनिटी, अच्छे काम के लिए मिलजुल के काम करे, वो अपना कंसल्ट करके काम करे ठीक है ना। तो ये सब चीज़ था, तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और कुछ कहना चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि आप लोग कोशिश कीजिए अच्छी से अच्छी कंपनी में आएँ और अपना करियर बनाएं, और बेहतर
बेहतर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मतलब जो एक्सपीरियंस वाला आदमी है उससे पूछिए पूछिए, एक बार दो बार पूछिए, जानकारी लीजिए तभी जाकर जाइए, ठीक है ना। जल्दबाजी मत कीजिए, नहीं तो फंसने का ज्यादा चांस है। एजेंट थ्रू तो एकदम ना, एजेंट के थ्रू बिल्कुल नहीं जाना। जो भी अच्छी कंपनी हम बताते हैं, चाहे कहीं पे भी, कोई भी गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, लाखों हजारों वीडियो पड़ा है। अच्छी कंपनी में जाइए, जो लाइसेंसी कंपनी है, ऑफिस में जाइए, अच्छी कंपनी में जाइए, और मतलब एजेंट के थ्रू मत पड़िए, ठीक है ना। तो फ्रेंड अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटे दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, आज के लिए गुड बाय।